8 पुलिसकर्मियों की हत्या का मुख्य आरोपी विकास दुबे पुलिस एनकाउंटर में मारा जा चुका है। एसटीएफ मध्य प्रदेश के उज्जैन से उसे आज सुबह ही कानपुर लेकर आई थी। कानपुर आते ही पुलिस की गाड़ी रास्ते में पलट गई। इसी दौरान विकास दुबे ने पुलिस के एक जवान से हथियार छीनकर भागने की कोशिश की। विकास दुबे और पुलिस के बीच गोलियां चली। इस दौरान विकास दुबे गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। विकास दुबे को मध्य प्रदेश के उज्जैन की महाकाल मंदिर से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही थी। इस दौरान उसने कई बड़े खुलासे किए। विकास दुबे ने कहा कि पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद शवों को जलाना चाहता था। जलाने के लिए शवों को एक जगह इकट्ठा कर दिया था और तेल का इंतजाम भी कर लिया था। विकास ने पुलिसकर्मियों के संपर्क में होने की बात भी कही। विकास दुबे ने कहा कि हमें सूचना थी कि पुलिस सुबह आएगी, पर पुलिस रात को ही छापामारी के लिए आ गई। डर था कि पुलिस एनकाउंटर कर देगी। हादसे को लेकर यूपीएसटीएफ के अफसर अभी कुछ बोलने से बच रहे हैं। माना जा रहा है कि तेज बारिश की वजह से गाड़ी पलट गई। एनकाउंटर में एसटीएफ के 2 जवान भी घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। विकास दुबे के मारे जाने की खबर के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक बार फिर सवाल उठाए। प्रियंका ने ट्वीट कर कहा, अपराधी का अंत हो गया, अपराध और उसको संरक्षण देने वाले लोगों का क्या। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाते हुए ट्वीट किया, दरअसल ये कार नहीं पलटी है, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। आज सुबह अहले सुबह विकास दुबे का इनकाउंटर होता है और फिर इसके बारे में लोग क्या सोचते हैं और फिर लोगों तक कैसे फिट पहुंचती है, पक्ष और विपक्ष में किस तरह की बातें आती हैं, हर लोग अपने अपने तरह से इस इनकाउंटर को देख रहे हैं और अपने अपने तरह से लोगों तक इस बात को रख रहे हैं। खासकर जो भी सोशल मीडिया है उस पे लगभग विकास दुबे की जो एनकाउंटर है वो पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से वो आज सुर्खियों में है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं बारावी संवाददाता प्रशांत गुप्ता जी। प्रशांत जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी आ रही है। प्रशांत गुप्ता जी, क्या कहेंगे, आज सुबह विकास दुबे का एनकाउंटर होता है और लोगों में जिस तरीके से सोशल मीडिया अकाउंट पे टोटली लोग अपने अपने पक्ष और विपक्ष को रख रहे हैं, कैसे देखते हैं आपको, क्या पूरी जानकारी है? देखिए, जिस तरीके से कल विकास दुबे के आत्म समर्थकों के बाद से जैसे ही आशंकाएं जाहिर की जा रही थी, आज सुबह जैसे ही विकास दुबे के एनकाउंटर की सूचना आती है, लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। उनका मानना यह था कि पुलिस या तो ये छोटा समझा एनकाउंटर की थ्योरी बता रही है या पहले से इनका ये प्री प्लान रहा हुआ है। जैसे कि आज सुबह से सोशल मीडिया पर इस तरीके की तमाम प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं। कल जैसे ही विकास दुबे ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में सरेंडर किया था, शाम को ये लगातार खबर आ रही थी कि उसे चार्टर प्लेन से भोपाल ले जाया जाएगा, उसके बाद उसे लखनऊ लाया जाएगा। लेकिन देर शाम तक ये खबर आई कि उसे यहाँ की एसटीएफ टीम जाएगी और उसको वहाँ से लेकर के आएगी। लेकिन देर रात ये भी सूचना आई कि मध्य प्रदेश की पुलिस ने उसे झांसी में एसटीएफ यूपी के हवाले किया है और उसके बाद वहाँ से उसको कानपुर ले जाया जाएगा। और सुबह जब तक कि लोग जगते हैं, ये खबर आती है कि जिस गाड़ी से विकास दुबे को ले जाया जा रहा था उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और विकास दुबे सिपाही की पिस्टल छीन करके भागने का प्रयास करता है और एसटीएफ और विकास दुबे के बीच में कई राउंड का फायर होता है और उसके बाद विकास दुबे को पुलिस सिलेंडर करने के लिए कहती है, लेकिन वो सिलेंडर करने के बजाय भागने के लिए का प्रयास करता है और जिससे जवाबी कार्रवाई में उसको गोली लग जाती है, जहां से उसे अस्पताल ले जाया जाता है और उसे डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं। इस पूरी कहानी में तमाम चीजें इस तरीके की निकल करके आ रही है जिससे लोग इस बात को मान रहे हैं कि एक तरीके से सोचा समझा एनकाउंटर था। क्योंकि ये देखा जा रहा है कि कल जब वो एमपी पुलिस ने विकास को यूपीएसटीएफ को हवाले किया था, उस समय उस गाड़ी के साथ कई गाड़ियां चल रही थी। प्रशांत जी, एक सवाल आता है, क्या एनकाउंटर ये फर्जी है जैसे कि आपने बताया, इसके पीछे क्या किसी बड़े चेहरे का आने का डर था क्या सरकार को? हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से पहले आत्मसमर्पण उसका हुआ और उसके बाद जिस तरीके से उसको ट्रांजिट रिमांड पे लेकर के और कानपुर होते हुए लखनऊ ले जाया जा रहा था, फिर अचानक जिस तरीके की कहानी जा करके जिस तरीके से उसका इनकाउंटर दिखाया जा रहा है, तो निश्चित रूप से ये लोगों की नजर में जो आम जनता की आवाज आ रही है कि लोग इसे लगातार सोचा समझा एनकाउंटर ही मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो बच जाता और अदालत में गवाही देता तो कई सफेद पोशों के नाम बाहर आ सकते थे। हो सकता है कई लोगों की काली कमाई का वो जरिया रहा हो। इस तरीके से निश्चित रूप से अगर उसको अदालत में वो आत्मसमर्पण करता और उसका अदालत में मुकदमा चलता, गवाही होती, तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि प्रदेश के कई सफेद पोशों के नाम बाहर आ सकते थे।
जी प्रशांत, एक और भी सवाल आता है, जिस तरीके से हमारे दर्शक देख रहे हैं, दर्शकों को विस्तार रूप से बताएं कि विकास दुबे ने अपने अपना जो साम्राज्य है किस तरह से खड़ा किया था, और लोगों जो उसके एनकाउंटर हुए तो लोग कैसे देख रहे हैं उसको। विकास का साम्राज्य लगभग ये कानपुर से संबंधित एक गांव है बिकरू, वहां पर 20 साल पहले से ही इसकी कहानी पूरी तरीके से शुरू हुई थी, और इसने क्षेत्रीय राजनीति के साथ ही इस ग्राम में अपना कदम रखा था, और पिछले 15 सालों से या तो विकास का कोई खास व्यक्ति या तो विकास के परिवार का ही कोई व्यक्ति लगातार जिला पंचायत सदस्य रहा है, तथा पंचायत के चुनाव में भी लगातार उसका ही कोई न कोई प्रतिनिधि रहा। उसने जिस जरायम की दुनिया में अपने गांव बिकरू से ही कदम रखा, लेकिन कानपुर तथा उसके आसपास के तमाम क्षेत्रों में शायद ही कोई इस तरीके का धंधा रहा हो जिसमें उसका इंटरफेयर न रहा हो, चाहे वो किसी के का ट्रांसफर रहा हो, चाहे किसी की बिल्डिंग हथियाने की बात रही हो, चाहे जमीन खरीद फरोख्त की बात रही हो, चाहे ठेकेदारी की बात रही हो, चाहे टेंडर की बात रही हो, कानपुर के आसपास के जितने भी काम होते थे उसमें कहीं ना कहीं विकास का इंटरफेयर लगातार रहता था। इसके अलावा उसके कई तरीके के राजनीतिक कनेक्शन के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कई राजनेताओं के साथ उठना बैठना भी उसका था, जिसकी पिछले एक हफ्ते से लगातार तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं, और इस प्रकार ये कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि उसने बहुत ही कम समय में आसपास के क्षेत्रों में अपना एक बहुत बड़ा प्रभाव और वर्चस्व बना रखा था, और आसपास की कोई भी चाहे राजनीतिक गतिविधि हो चाहे अन्य किसी भी प्रकार की गतिविधियां हो, बिना उसकी जानकारी के या दूसरे शब्दों में कहें तो बिना उसके परमिशन के वहां पर कोई काम नहीं होता था। जी प्रशांत जी, एक और सवाल आता है, जिस तरीके से विकास दुबे की इनकाउंटर हुई है और फिर वो जो अपने एरिया में है वो काफी बड़े बड़े लोगों के साथ उनकी पिक्चर और फिर सोशल मीडिया के माध्यम से देखे गए, तो बड़े बड़े लोगों के साथ उनकी फोटो देखी गई है, तो क्या उन बड़े लोगों में से किसी एक लोगों का भी ऐसे बयान आया है क्या? नहीं, इस तरीके के अभी खैर किसी बहुत बड़े व्यक्ति का तो बयान नहीं आया है, लेकिन आसपास के जो सामान्य लोग हैं उसमें गांव लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही, कोई व्यक्ति अगर उसके पक्ष में भी बोल रहा है तो कोई विपक्ष में भी बोल रहा है, यहां तक कि आप केवल उसकी दबंगई का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि सन 2001 में जब उसने थाने के अंदर घुस करके एक दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री को गोली मारी थी और इसके बावजूद थाने के किसी भी व्यक्ति ने उसके खिलाफ दवाई नहीं दी थी, तो निश्चित रूप से जब तक की विकास जिंदा था उसके खिलाफ किसी भी व्यक्ति के आने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था, लेकिन अभी भी कुल मिलाकर के मिली जुली प्रक्रिया ही सामने आ रही, कोई उसके खिलाफ सामने बोल करके नहीं आ रहा। जी विशेष जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें, और फिर जैसा कि आपने देखा जो हमारे रिपोर्टर्स हैं वो ऐसे बता रहे हैं कि जो सुबह विकास दुबे की इनकाउंटर हुई है उससे लोगों में खासकर किस तरह की बातें जा रही हैं, और फिर जो पक्ष और विपक्ष हैं वो कैसे देख रहे हैं इसको, और फिर सोशल मीडिया पर तमाम जो है कि लोग अपने जो भी प्रोपेगंडा हुई है विकास दुबे के इनकाउंटर उन्हें सही या गलत लेके आगे बढ़ रहे हैं।